संपूर्ण बिहार वासियों को सुशांत कुमार की तरफ से जय बिहार जय भारत। दोस्तों, कल जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए आप लोगों को दिल से सलाम नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है जो कि बिहार को हम बहुत आत्मनिर्भर के संबंध में था। वो आत्मनिर्भर तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ समझा था, क्योंकि हर चीज़ का विकल्प है, विकल्प में बहुत सारा चीज़ है। उसे आज आपको एक उदाहरण के तौर पर बता देते हैं। जैसे सुबह सुबह आप लोग मंजन करते होंगे या कुछ पेस्ट लगाते हैं, ब्रश करते हैं, वो सब चीज़ में आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। उसको आपको वेस्ट को जो बेकार हो रहा है पैसा को, उसको वेस्ट करने की आवश्यकता है। उसके लिए आप अपने इर्द गिर्द में बहुत सारा वो भाई का पेड़ होता है, पौधा छोटा सा, उसका आप मन कर सकते हैं, नीम का पेड़ लगा सकते हैं और उस पेड़ को फिर आप मन कर सकते हैं। उससे आपको क्या है कि नेचुरल आपको मिलेगा और उससे आपका दांत भी स्वस्थ रहेगा। उससे आप किसी डॉक्टर से अगर पूछेगा तो वो बोलेगा कि वो नहीं, गतवन उत्पन्न ये सब नहीं करना है, आपको पेस्ट लगाना है, ब्रश ये करना है। तो समझ लीजिए कि वो भी उस षड्यंत्र का शिकार है, क्योंकि उसको पेस्ट भी बेचना है अपना। मान लीजिए कि उसके पास भी बहुत सारा पेस्ट रहता है, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो अलग अलग टाइप का पेस्ट लोगों को देता है यूज करने के लिए। लेकिन हम कहते हैं कि हम उसका पेस्ट या दवा का हम विरोध नहीं करते। हमारा कहना है कि हम लोग शुरू से हैं, आप याद करिए आपके पूर्वज लोग क्या पेस्ट लगाए थे, क्या ब्रश किए थे, नहीं किए थे। लेकिन क्या उनका दांत खराब हुआ, नहीं खराब हुआ। आज हम लोग का दांत खराब हो रहा, सब कुछ हो रहा, तो उसका मुख्य है कि आप लोग अनशन चीज खाते हैं उससे भी खराब होता है। लेकिन ब्रश की जगह पर आप ये करिए दातु जो कि आपके इर्द गिर्द में मौजूद है, उसका आप उपयोग करिए। और आज का जो हमारा मुख्य बात है जो कि हम लोग कैसे प्रति व्यक्ति आए को बढ़ाएंगे, तो हमारे समझ से हमको जो अभी तक समझ में आ रहा है जो कि आय को भी बढ़ाना है एक तरफ, और दूसरी तरफ अपने खर्च को भी आत्मनिर्भरता के तहत मेंटेन करना है। मेंटेन ये करना है कि आप सब चीज़ को एक ही बार नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को आप शुरुआत करिए और दूसरे को बोलिए या नहीं बोलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक चीज़ से शुरुआत करिए। और जब शुरुआत हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे अपने होगा। और हमारे इस हमने ठाना है आत्मनिर्भर बिहार को बनाना है, तो इसमें जो है सो हमने तो ठान लिया है। और इसमें आप लोगों का कल हमको बहुत प्यार मिला, इसके लिए तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो इसके लिए हम ये चाह रहे हैं, क्योंकि हमने तो ठान लिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप सब लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े। हम जब हम सब ने ठाना है तब जो है सो बहुत अच्छा ये होगा। इसके लिए जो है सो प्लानिंग जो है सो करना होगा लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में करने का ये मतलब है जो कि लंबे समय के लिए जब हम प्लान करेंगे तो आज के हिसाब से जो है सो बहुत सही रहेगा। और उसमें जो है सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को भी समझेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करेंगे जिस तरह से प्यार दिए, और आपको धीरे धीरे हम जो भी कुछ हमारे समझ में आ रहा है वो सब बता रहे हैं। तो इसके लिए जो है सो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा मनोबल और बढ़ेगा और हम आप लोगों तक और भी बहुत सारी ढेर सारी जानकारियाँ लेकर के आएंगे।
और हमारा विश्वास है जो कि आप लोग ज़्यादा नहीं 10 साल के लिए दृढ़ संकल्पित होइए, जो कि हम लोग मतलब दिखा देंगे पूरी दुनिया को जो कि बिहार बिहार नहीं है, ये बहुत मजबूत राज्य बन करके जो कि पूरे विश्व में बिहार का जो नज़रिया है जो लोगों का वो चेंज कर देने की ज़रूरत है। इसी बात के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।